देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी आलोचना करते हैं या कोई असहमति किसी चीज पर दिखाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में अभी नहीं आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस मामले में, असहमति के मामले में, आलोचना के मामले में। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सरकार की नीतिगत जो कार्यवाही है उन पर असहमति को किसी व्यक्ति या समूह के बीच दुश्मनी या वैमनस्य पैदा करने का आधार मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। न्यायालय का कहना है कि असहमति और लोकतंत्र का सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है किसी चीज से असहमत हो सकता है और असहमति से ही लोकतंत्र को क्या है, बल मिलता है। तो ये दोनों आपस में साथ साथ चलेंगे, तो ये न्यायालय ने निर्णय लिया है। भारत की समस्या अनुचित प्रतिबंध और मनमानी गिरफ्तारियों की है। ऐसा होने से लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने लोकतंत्र के हित में कहा है कि हम कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के मानकों को लागू नहीं कर सकते हैं। न्यायालय का ये वक्तव्य हाल ही के प्रकरण के संदर्भ में आया है, जब एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अनुच्छेद 370 को हटाने को काला दिन बताया गया। मतलब अनुच्छेद 370 है वो हटाया गया है, उस अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए व्हाट्सएप का किसी ने काला दिन शब्द यूज किया है और पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी गई थी। इसके चलते FIR दर्ज की गई जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। और ये लेख जो तैयार किया गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स से लेख तैयार किया गया है, 9 मार्च 2024 का ये मटेरियल है, AFIIS ने तैयार किया है, मैंने आपको अपनी भाषा में रिप्रेजेंट किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।